वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप देखो कि इस लेक्चर में हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही कैरी कर रहे हैं। मैंने इसके लिए दो वीडियो बनाया और मैंने आपको एक इंस्ट्रक्ट किया कि मोस्टली एक क्वेश्चन के लिए मैं दो दो वीडियो बनाऊंगा, जिससे चीजें थोड़ा सा मैं आराम से करा सकूं और आपको भी समझ में आ सके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द जर्नल एंट्री स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया, जिसके अंदर हम लोगों ने अंडरराइटर्स का नेट लायबिलिटी डिसाइड किया। हमने इसमें कैलकुलेशंस किया और देखा कि कोटक को 45,000 खरीदना पड़ेगा, ठाकुर को 55,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। दोनों को प्लस करोगे 1 लाख। देखो फर्स्ट, इसके पहले वाले वीडियो में यहां पर मैंने कैलकुलेशन करके बताया टोटल एप्लीकेशन कंपनी को, टोटल शेयर्स कंपनी को इश्यू करना था 10 लाख। कंपनी का नंबर्स ऑफ शेयर्स इश्यू करने का टारगेट 10 लाख था। क्वेश्चन में हमने देखा टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड 9 लाख, कंपनी के पास 1 लाख का शॉर्टफॉल था और यही इस शॉर्टफॉल को ए अंडरराइटर पूरा करेगा। इसने प्रॉमिस किया था कि अगर पब्लिक ने पैसा नहीं दिया तो आई विल सब्सक्राइब। उसी का यहां पर अभी हम जर्नल कर, मैं इसके पहले भी बता चुका स्टूडेंट की कंपनी के पास जो टोटल एप्लीकेशन आएगा ना डियर, उसमें मार्क भी है और अनमार्क भी रहेगा, उसमें दोनों एक साथ रहेगा। टोटल एप्लीकेशन है ना, तो उसमें मार्क भी है अनमार्क भी है। अभी तक फर्म अंडरराइटिंग नहीं आया स्टूडेंट, आगे क्वेश्चंस में देखोगे जब फर्म अंडरराइटिंग आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां के लिए फिलहाल 10 लाख शेयर इश्यू करना था, कंपनी के पास 9 लाख एप्लीकेशन आया। अब 9 लाख एप्लीकेशन आया तो उस 9 लाख का हम लोग एंट्री करते हैं। कंपनी के पास 9 लाख एप्लीकेशन आया। स्टूडेंट, आप हमेशा एंट्री करते समय अपने आप को एज अ अकाउंटेंट समझ के एंट्री करना है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि स्टूडेंट को 90% स्टूडेंट को यही नहीं मालूम होता है कि वो अकाउंट कर किसके लिए रहा। सिंपल लॉजिक समझा रहा हूं स्टूडेंट। अब एज अ स्टूडेंट यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इस समय आप देखोगे तो क्या सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे क्या? बड़े बड़े बिजनेस मैन बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होंगे, लाखों करोड़ों की डीलिंग कर रहे होंगे। हम लोग लिख रहे हैं क्या उसको? हम लोग नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। हम उस बिजनेस के पार्ट नहीं हो, हमारा बिजनेस नहीं है, हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन कुछ समय के लिए आप ये समझो कि एज अ स्टूडेंट पढ़ने के बदले अगर इस समय आप बिजनेस कर रहे होते, किसी से कुछ देते, किसी से कुछ लेते, तो आप अपने बुक्स में लिखते कि नहीं लिखते? लिखते। मतलब हम लिखते कब हैं? व्हेन वी इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन। तो आज के बाद सिंपल ध्यान में रखना, कभी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर कोई भी XYZ सम करने बैठो, जो भी उसमें रीडिंग करो ना, तो वो सोचने कि वो आपके साथ हो रहा है। कहीं लिखा है परचेज ऑफ गुड्स, इसका मतलब यू परचेज द गुड्स। लिखा है सेल्स ऑफ गुड्स, यू सेल द गुड्स। कहीं पर लिखा है रेंट पेड, तो आप रेंट पेड कर रहे हो। इसको सोच के आगे करोगे ना स्टूडेंट, तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। चलो अब यहां पर एज अ अकाउंटेंट हमारे कंपनी के लिए टोटल एप्लीकेशन 9 लाख आया। अब पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया होगा तो क्या दिया होगा? एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन फॉर्म। जाके कहां दिया होगा? बैंक के अंदर दिया होगा। हमारे पास नहीं है स्टूडेंट, अगर हमको कोई कैश ला के देता तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट। तो हमारे लिए जो पैसा आया वो हमारे हाथ में नहीं आके बैंक में आया। मतलब पैसा एज अकाउंटेंट सोचो, हमारे पैसे को किसने रिसीव किया? बैंक ने रिसीव किया। आपके हाथ में कैश नहीं आ रहा स्टूडेंट कि आप कैश को डेबिट कर दो। आप कैश को डेबिट कर दोगे कोई आके पूछेगा चलो ठीक है जरा कैश में बता तेरे पास इतना पैसा है क्या? तो हमारे पास तो है ही नहीं है रे। पैसा आया कहां पर रियल में? है बैंक में। बैंक नाम है, पर्सनल है, रिसीवर डेबिट। तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। अब इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन क्यों करते हैं? ये सब रीजन मैंने आपको बता दिया। शेयर कैपिटल में क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जिस समय पब्लिक पैसे दे रहा होता है, ना तो पब्लिक कंफर्म है ना तो एज अ कंपनी हम कंफर्म है कि आउट ऑफ दिस पब्लिक हु विल बिकम द शेयर होल्डर। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनसे के कारण को रिजेक्ट हो सकता है,
सबसे बड़ा रीजन तो 90% अगर हम कलेक्ट ना कर पाए तो हमको तो उनका पैसा भी वापस करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस पैसे को हम लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, एक हमारी लायबिलिटी है। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन पूरा नहीं कर पाए और कोई एक रीजन हुआ तो ये पैसा हमको शायद रिटर्न भी करना पड़े। तो मैंने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। बैंक को स्टूडेंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए पैसा किसने रिसीव किया, बैंक ने। बैंक क्या है, नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, और ये पैसा हमारे लिए लायबिलिटी। 12 रुपीज आप लोग स्टूडेंट, 10 रुपीज फेस वैल्यू था, 2 रुपीज प्रीमियम था। ये भी मैंने समझाया कि हम प्रीमियम क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके लिए अंडरराइटर ने जो कलेक्शन किया है वो 12 रुपीज के हिसाब से कलेक्शन किया है, तो आपके पास तो 12 रुपीज आया, फ्यूचर में उसको कमीशन भी 12 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। तो 9 लैक्स × 12 तो ये हो जाएगा 9 लैक्स × 12 50। ओके स्टूडेंट, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव, आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ₹10 ईच ₹2 पर शेयर प्रीमियम। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम लोगों को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, यहां पे तो किसी का शेयर न तो रिजेक्ट हुआ है न तो हमने रिफंड किया है। अभी यहां पर जितना भी हमारे पास एप्लीकेशन आया वो सारे लोगों को हम लोग अपना शेयर होल्डर बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों को उनको शेयर होल्डर बनाना है, उन्होंने आपको पैसा दे दिया है, किसके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ में, और पूरा पैसा दे दिया है। तो एप्लीकेशन के साथ में उन्होंने आपको आपका पूरा पैसा दे दिया, पैसा एप्लीकेशन में पड़ा है, यहां से मुझे पैसा निकालना है, इस लायबिलिटी को कैंसिल करना है। अब मुझे पैसों को रिफंड नहीं करना है, इस लायबिलिटी को मुझे कैंसिल करना है और उनको मुझे मेरा क्या बनाना है, शेयर होल्डर बनाना है। तो पैसे कहां पर पड़े हैं स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में, उसको मैं डेबिट करूंगा। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 9 लैक्स × 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9 लैक्स × 2 शेयर्स आपको मालूम होना चाहिए ना, शेयर कैपिटल, शेयर हमेशा किस पे होगा, फेस वैल्यू पर। लायबिलिटी में कहां पर ट्रांसफर होगा, हमेशा किस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, फेस वैल्यू पे। 2 रुपीज तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया उनसे, 2 रुपीज हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। हमारी कंपनी का आज स्टेटस इतना अच्छा होगा कि पब्लिक मोर देन फेस वैल्यू पर भी हमको पैसा देने के लिए क्या है, रेडी है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पड़ते हो स्टूडेंट, क्रेडिट। तो 9 लैक्स × 10 ये हो जाएगा 90 लैक्स, और ये 9 लैक्स × 2 ये हो जाएगा 18 लैक्स। फिर से इसको समझा दो, पब्लिक ने हमको पैसा दिया था, हमने इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रिएट किया था, अब उनको हम लोग अपना रियल शेयर होल्डर बना रहे हैं, पैसा तो उन्होंने दे दिया है, पैसा कहां पर है, क्रेडिट साइड। तो वहां से पैसे हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। ये सारे लोग हमारे लिए कौन बनने वाले हैं, शेयर होल्डर। तो हमको उन्होंने पैसा जो दिया वो हमारे लिए कौन सा पैसा बन जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। ये भी लायबिलिटी क्यों है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मुझे शेयर होल्डर को या शेयर कैपिटल का पैसा रिटर्न नहीं करना है, बट जब कभी भी कोई कंपनी फॉरएवर के लिए बंद होगा तब तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ना, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। तो ये पैसा भी हमारे लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट।
हमने 2 रुपीस एक्स्ट्रा लिया, ये एक्स्ट्रा हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पढ़ते हो, नॉमिनल का क्रेडिट। अगर स्टूडेंट आप यहां देखोगे ना, तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट, नील कैंसल हो जाएगा। अपने आप इनकी क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तब तो मुझे समझाना और भी इजी होता है कि देखो हमारे पास कैश बैंक आया डेबिट, किस चीज का पैसा आया, शेयर्स का, हमारे लिए लाइबिलिटी, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, नॉमिनल का क्रेडिट। लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब कभी भी हम एप्लीकेशन का पैसा ले रहे होते हैं, हम लोग आईपीओ या फर्स्ट टाइम इश्यू कर रहे हैं, या शेयर्स इश्यू करके हम लोग पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल नॉट कंफर्म स्टूडेंट कि हु विल बिकम द शेयर होल्डर। तो पहले तो पैसा आपको कहां लिखना है, एप्लीकेशन में ही लिखना है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ने कहां पर ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट, शेयर कैपिटल। आई होप ये दोनों एंट्री आपको समझा होगा। चलो अगर किसी को नहीं समझा हो तो प्लीज पूछो। सिर्फ आपको समझ में आ रहा है, यस आपको स्टूडेंट, रेड शर्ट, रेड शर्ट, यस समझ में आ रहा है आपको, बोथ एंट्री कंफर्म, झूठ नहीं बोलने का। जो प्रॉब्लम्स है ना स्टूडेंट, क्लासरूम में सॉल्व होना चाहिए, एग्जाम हॉल तक प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। एग्जाम हॉल तक अगर प्रॉब्लम जाएगा ना स्टूडेंट, यू विल कम इन ट्रबल। आई होप ओके, चलो थैंक यू, सी द नेक्स्ट वन, थर्ड एंट्री। अब आफ्टर द ऑल कैलकुलेशंस वी सी कोटक को 45,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। अच्छा ये कोटक को क्यों खरीदना है भाई, क्योंकि कोटक ने प्रॉमिस किया था कंपनी को, कंपनी यू डोंट वरी कूल, माई सेल्फ विल सेल द 4 लैक्स, मेरे थ्रू 4 लैक्स शेयर सेल होगा गारंटी। मैंने एज अ कंपनी उससे पूछ लिया भाई नहीं करेगा तो डोंट वरी, नहीं होगा ना मेरे से, या जितना मैं नहीं कर पाऊंगा ना आई विल कंटिन्यू। तो वही अब 45,000 शेयर्स कोटक को खरीदना पड़ेगा। अब कोटक को शेयर्स खरीदना है क्योंकि कोटक ने प्रॉमिस किया है, कोटक ने प्रॉमिस किया, हम तो कूल हो गए, हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोटक को दे दिया। और हमारे दिमाग में अगर मैं शॉर्टकट बोलूं तो ये है, शॉर्टकट बोलूं तो कोटक 4 लैक्स खरीदेगा, कोटेचा 3 लैक्स खरीदेगा, ठाकर लेगा और गणाता, मतलब एक अपने थ्रू सेल नहीं कर पाएंगे तो ये लोग खरीदेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने अपने सर पे ले लिया। इसने अपना बेस्ट करने के बाद भी 45,000 शेयर्स ही इज नॉट एबल टू सेल द पब्लिक, तभी 45,000 का पैसा मैं किससे लूंगा, कोटक से लूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं कोटक से शेयर्स का पैसा क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि कोटक ने शेयर्स खरीदने के लिए मुझे बोला था कि मैं खरीदूंगा। ही इज अ लाइक अ डेटर्स, जिस दिन वो बोला ना मैं कूल हो गया, उसने बोला सर टेंशन मत लो, मैं 4 लैक्स रुपीज एट एनी कॉस्ट, 4 लैक्स शेयर्स मैं कहीं से भी सेल करके दिखाऊंगा, नहीं दिखाया तो मेरे से पैसा ले लेना। मतलब उसने मेरे को उसी दिन एश्योर कर दिया, यू डोंट वरी फॉर द 4 लैक्स शेयर्स। तो बेस्ट करने के बाद वो 45,000 नहीं खरीद पाया, तो आज मैं उसको बोलूंगा कि चल भाई 45,000 खरीद, तेरे प्रॉमिस के हिसाब से 45,000 पब्लिक को नहीं तो सेल कर पाया तो 45,000। बोला यस सर मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो मैं 45 का पैसा कोटक से इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि कोटक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, कोटक इज अ लाइक अ डेटर्स, मेरे लिए क्या है डेटर्स, जिस आदमी से मुझे पैसा लेना है ना भाई वो मेरे लिए कौन है, लाइक अ डेटर्स। डेटर्स कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट, डेबिट। तो कोटक अकाउंट डेबिट, 45,000 शेयर्स खरीदेगा 12 रुपीज के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 45,000 इंटू 10
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टू, तो फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स 12 रुपीज के हिसाब से 5,40,000, 450 और 45,000 इंटू टू, ये हो गया 90. मीन 45,000 शेयर्स एलॉटेड टू कोटक एट ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर. अगर फाइव समझाने के लिए बोलो तो मैं बोल सकता हूं कि देखो 5,45,000 शेयर्स खरीदेगा, मुझे उसे शेयर्स का पैसा लेना है लाइक अ डेटर्स. वो पैसा जैसे ही देगा वो मेरा शेयर होल्डर बनने जा रहा है. इक्विटी शेयर्स कैपिटल का पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी और मैं उससे प्रीमियम ले रहा हूं. प्रीमियम लाइक मेरे लिए प्रॉफिट. कहां पढ़ते हैं? नॉन लाइक क्रेडिट. कोटेचा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर चुका है, कोई इश्यू नहीं. अब ठाकर, ठाकर को कितना शेयर खरीदना पड़ेगा? 55,000. वंस अगेन स्टूडेंट एंट्री विल से, एंट्री के अंदर कोई इश्यू होने वाला नहीं है, सिर्फ यहां पर नेम और अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो नंबर फोर, तो यहां पर शायद आपको स्टूडेंट ना दिखे तो मैं ये एंट्री रफ करके यहीं पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं. ये ऑनलाइन अवेयरनेस स्टूडेंट यही प्रॉब्लम्स है. चलो अब नेक्स्ट वन है ठाकर. ठाकर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू शेयर्स प्रीमियम. फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स 12 रुपीज के हिसाब से 6,60,000 इंटू 12, 55 इंटू 10 5,50,000 एंड 1,10,000. नरेशन भी से, नरेशन में नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए. तो नरेशन आप खुद से लिख सकते हो, नरेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है. नरेशन लिखना आपके लिए जरूरी है, जो आप कर रहे हो उसी को आपको ऑनलाइन लिखना है. यू राइट बेइंग 55,000 शेयर्स अलॉटेड टू ठाकर एट द रेट ₹10 ईच 2 रुपीज प्रीमियम पर शेयर. ओके स्टूडेंट, तो एक तरीके से मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि मैं कोटक को बोलता हूं कि कोटक चलो अब एज अ प्रॉमिस 5,40,000 रुपीज आप दे दो. ठाकर को भी बोल रहा हूं, ठाकर एज अ प्रॉमिस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाए तो आपको 55,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा और 55,000 का 12 रुपीज के हिसाब से चलो 6,60,000 दे दो. वो दोनों ही अंडर राइटर्स बोलेंगे यस सर आपका बोलना 100% राइट है, आई एम रेडी टू पे. बट जिस तरीके से मैंने प्रॉमिस किया था इसको इश्यू करने का, आपने भी तो प्रॉमिस किया था मुझे कमीशन देने का, तो मैं आपका पैसा देने के लिए रेडी हूं, आप मेरा भी तो पैसा दो. कंपनी भी बोलता है यस ओके. अब यहां पर हम लोगों को अंडर राइटिंग कमीशन देना है.
अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। स्टूडेंट आपको कमीशन 10 लाख शेयर्स पे देना है, 12 रुपीज के हिसाब से देना है और 5% देना है। 10 लाख शेयर्स, 12 रुपीज और 5% के हिसाब से, मतलब टोटल कमीशन इज 6 लाख। ये 6 लाख इसको डेबिट क्यों किया स्टूडेंट? ये हमारी एक्सपेंस है ना, तो हमने डेबिट किया। और ये चारों पार्टनर्स को देना पड़ेगा, ये चारों पार्टनर्स हमारे लिए लाइक अ क्रेडिटर्स हैं, उनको पेमेंट करना है क्रेडिट बैलेंस। एक कोटक अकाउंट, कोटक, कोटक को 4 लाख शेयर्स के ऊपर 12 रुपीज के हिसाब से 5%। देन कोटेचा को 3 लाख शेयर 12 रुपीज 5%। Then ठाकर 2 लाख शेयर्स के ऊपर 12 5% एंड गणात्रा को 1 लाख शेयर्स के ऊपर 12 5%। अब 4 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 2,40,000 स्टूडेंट, 3 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 180 स्टूडेंट, 120 एंड 60। मैं नरेशंस नहीं लिख पा रहा हूं, मेरे पास स्पेस का कमी है। आप नरेशंस में लिख लोगे बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन क्रेडिटेड टू अंडरराइटर्स, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन क्रेडिटेड टू अंडरराइटर्स। अब एंट्री मुझे रफ करना पड़ा स्टूडेंट, अगर एंट्री रफ नहीं करता तो मैं और अच्छे से आपको समझाता पड़ा। यहां पर आप अपने पास देख सकते हो नोटबुक में, आपने अगर कॉपी किया है तो। अब ये कोटक से मैं 4,50,000 शेयर्स का क्या कर रहा हूं, सॉरी 45,000 शेयर्स का 12 रुपीज के हिसाब से मैं डिमांड कर रहा हूं। तो मैं 12 रुपीज के हिसाब से डिमांड कर रहा हूं ना, तो मुझे उससे 5,40,000 लेना है स्टूडेंट। कितना लेना है? 5,40,000, बट मुझे कमीशन का उसको 2,40,000 देना है। तो अब मैं उससे 5,40,000 लू, अब उसी में से मैं उसको 2,40,000 रुपीज दू, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या होगा कि जो पेमेंट मुझे उससे लेना है और जो देना है मैं एक दूसरे के सामने एडजस्ट कर दूंगा। तो 5,40,000 मुझे लेना है, 2,40,000 मुझे क्या करना है, देना है। तो 5,40,000 में से अगर 2,40,000 आप माइनस कर दोगे तो आपको फाइनली समझ में आएगा कि अभी भी हम लोगों को उससे 3 लाख रुपीस क्या करना है, लेना है। 3 लाख रुपीस हम लोगों को लेना है। तो वंस अगेन सो पेमेंट करेगा, कहां पे जाके देगा? बैंक को। बैंक क्या है? नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक। कितना उससे हम लोगों को लेना था? 5,40,000। देना कितना है? 2,40,000। एडजस्टमेंट के बाद फाइनली वो हमको 3 लाख रुपीस देगा। नरेशन में आप लिख सकते हो यहां पे बेइंग अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर फाइनल सेटलमेंट, बेइंग अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर फाइनल सेटलमेंट।
इससे हम लोगों को लेना नहीं है, कमीशन देना है, मैं बाद में भी करता हूं। वंस अगेंस्ट ठाकर से 55,000 शेयर्स का हमको पैसा लेना है। 55,000 शेयर्स का देख शोर्ट मैंने पैसा निकाला था, कैलकुलेट किया था 6,60,000। तो हम लोगों को इसे 6,60,000 लेना है और इसको हम लोगों को ठाकर को 1,20,000 का कमीशन देना है। तो वंस अगेंस्ट हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे एंट्री से। हम दोनों एंट्री एक साथ भी कर सकते थे लेकिन मैंने बोला कि अगर शायद आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो इसके लिए मैं सेपरेटली किया, आप एक साथ भी कर सकते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ठाकर, इससे मुझे 660 लेना था और स्टूडेंट आपने देखा कि इसको 120 मुझे देना था। मैंने एडजस्टमेंट किया 5,40,000। वंस अगेंस्ट स्टूडेंट नरेशन विल सेम बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर आफ्टर फाइनल सेटलमेंट। ओके स्टूडेंट, अब मैं एक एंट्री और करता हूं। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं नरेशन लिखकर नहीं दूंगा तो शायद इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिले, या फिर मैं कोशिश करूंगा स्टेटमेंट को भी थोड़ा छोटा ड्रॉ करूं। अब लास्ट एंट्री स्टूडेंट, ये दोनों इसको और इसे, कोई पैसा हम लोगों को लेना नहीं शेयर्स का, तो अब हम लोगों को इनको कमीशन देना पड़ेगा। हम लोग कमीशन देंगे स्टूडेंट, वंस अगेन कमीशन भी कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा। कौन रिसीव करेगा, कोटेचा। कौन रिसीव करेगा, गणत्रा। कोटेचा एंड गणत्रा ये हम लोगों से कमीशन लेंगे, या एज अ कंपनी बोलू हम कमीशन देंगे। हमारे पास से कैश बैंक कैश जाएगा, रियल गोज आउट क्रेडिट। या मैं बोलूं कि मेरे बिहाफ में कौन देगा, बैंक। मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट करूंगा, बैंक देगा। बैंक क्या है, नाम, पर्सनल गिवर क्रेडिट, ये लोग लेंगे। ये भी दोनों कौन है, नाम, पर्सनल रिसीवर डेबिट। तो लास्ट एंट्री हो जाएगा कोटेचा अकाउंट डेबिट। कोटेचा को कितना देना था स्टूडेंट, आपने देखा 180। नेक्स्ट वन था गणात्रा। गणात्रा को कितना देना था स्टूडेंट, 60 टू बैंक। बैंक फाइनल सेटलमेंट में बैंक कमीशन पे फाइनल सेटलमेंट में। तो ओके स्टूडेंट, तो प्लीज आप इसको अच्छे से कॉपी करके फिर अगेन और अगेन करो। नेक्स्ट वीडियो से मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि एक बार में ही एंट्री लिखकर हो जाए। स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है तो उन चीजों को प्लीज आप एडजस्ट करो। तो आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट, स्टेटमेंट के बाद फिर आपका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जो टोटल एप्लीकेशंस आएगा, पहले आप उसका एंट्री करोगे, एक एप्लीकेशंस का, एन एप्लीकेशन यू ट्रांसफर टू द कैपिटल। फिर आप उनकी नेट लाइबिलिटी देखोगे अंडरराइटर का, उन लोगों से आप ड्यू की एंट्री करोगे। उनसे पैसे का डिमांड करने से पहले आप कमीशन का एंट्री करोगे, कमीशन को और उनसे जो पेमेंट लेना है आप उसको एक दूसरे के सामने एडजस्ट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट।